किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण से शोभा राम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं औषधीय प्लांट जो कि राजकीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यहाँ पे आज आए हुए हैं किसानों के साथ। आज हम आपको दिखाते हैं औषधीय प्रक्षेत्र में कितने तरह का पौधा लगा हुआ। जैसे ये लगा है सर्पगंधा भेद, इसमें इसकी जड़ें जो है रक्तचाप मस्तिष्क रोग के लिए काफ़ी लाभदायक हैं और आगे भी पूरी फील्ड विजिट कराते हैं। आज हम आपको लखनऊ में औषधीय अनुसंधान में आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे इतनी साफ सफाई के साथ यहाँ पे कार हुआ है। ये औषधीय अनुसंधान है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पीला भृंगराज, घृत कुमारी, यह है जंगली लहसुन, यह है श्वेत सखियां, यह है तुलसी, श्यामा तुलसी, इधर अंतमूल, सर्पगंधा, ये पिपली, जड़ फल पत्तियां सर्दी खांसी जुखाम कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना, ब्राह्मी, सदाबहार सफेद है जो कि सूख गया है। यह है अपामार्ग जिसको कहीं कहीं चिरचिटा भी बोलते हैं। यह दांत और त्वचा रोग के लिए बहुत बेहतर है। यह है कुलंजन, सांस गठिया परकंद तीन तरह की बीमारी के लिए लाभदायक है। यह हरसिंगार गठिया और बावसीर के लिए, जो बड़ा वाला पौधा दिख रहा है। यह है पीली सतावर, पीली सतावर, इसमें जड़े दूध वर्धक, मूत्र रोग, शक्तिदायक। यह है सतावर। सफेद मूसली, साल पारड़ी, पत्थर चूर, द्रोण पुष्पी, इसको कहीं कहीं गुमा भी बोलते हैं गांव की भाषा में।
पृष्ठ पाणी। हल्दी तो आप लोग जानते हैं पुराना, ये है नील। सांस बुखार सूजन में काम आता है। आमा हल्दी, कोखरू। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।